ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि स्वप्निल नाम के लड़के के साथ घटी थी, जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था। ये बात 2007 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वो भी मनाली का मौसम। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था और वो भी कमरा नंबर 707 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। स्वप्निल और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। स्वप्निल ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर सोया हुआ था, वो नहीं उठा। उतने में बिजली चली गई। फिर स्वप्निल ने दरवाजा खोल के देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आहट स्वप्निल को साफ सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज के पीछे चल रहा था कि तभी स्वप्निल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज के पीछे चला गया तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई औरत खड़ी है। वो उस औरत की ओर गया कि पीछे से किसी ने स्वप्निल को हाथ लगाया। स्वप्निल पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर उस औरत की ओर देखना चाहा, तो वो औरत वहां से गायब हो गई थी। स्वप्निल ने तुरंत ही रूम में जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे जगाया और बोला, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ। स्वप्निल सामान गाड़ी में रखने चला गया और पंकज रिसेप्शन पर पेमेंट करने चला गया। अरे पता है क्या हुआ? और इस तरह स्वप्निल ने अपने साथ जो भी हुआ वो पंकज को बता दिया। ये सुन के पंकज के होश उड़ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम सच में बच गए? सुनने में आया है कि होटल के उस कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी और वो औरत मैं हूँ। कभी भी इस कमरे में आने की हिम्मत।
करना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी हो।